जय हिंद, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, इस चैनल के माध्यम से रेलवे और SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। इसी को देखते हुए कल हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक UNO से संबंधित 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। दोस्तों, आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ UNO एंड अदर हेडक्वार्टर्स पार्ट 2 को कवर करेंगे। दोस्तों, पार्ट 2 में 10 से 11 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस SSC और रेलवे में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी मनीला फिलीपींस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन DC। जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका प्रमुख कार्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। दोस्तों, विश्व बैंक असल में दो अनूठी विकास संस्थाओं का संगम है, जिसमें पहली है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD और दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन IDA। दोस्तों, इन दोनों संस्थाओं पर 188 सदस्य देशों का स्वामित्व भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता पश्चिम बंगाल भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जहाँ स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है, लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण वो कोलकाता में स्थित है। तो इसका इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3, एगमार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा फरीदाबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, फरीदाबाद हरियाणा में एगमार्क का मुख्यालय है। फरीदाबाद हरियाणा में एगमार्क का मुख्यालय है। दोस्तों, एगमार्क का मतलब होता है कृषि उत्पादों और खाने की वस्तुओं आदि की गुणवत्ता एवं शुद्धता की प्रमाणिकता का सूचना चिन्ह, जो भारत सरकार की गुणवत्ता निर्धारक एवं नियंत्रक संस्था द्वारा दिया जाता है और उन उत्पादों पर भी अंकित होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हरियाणा फरीदाबाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 को हुई थी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए थिम्पू भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मालदीव। तो दोस्तों,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थिम्पू भूटान। जी हाँ दोस्तों, सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय थिम्पू भूटान में है। दोस्तों सार्क एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसमें सदस्य देशों की संख्या 7 है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और दोस्तों आप सभी को पता है सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागपुर महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, बार्क का मुख्यालय ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बार्क की फुल फॉर्म जैसा कि आप सभी को पता है बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। दोस्तों जो बार्क का जो मुख्यालय है या जो बार्क है वो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं संबंधित क्षेत्रों का नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी लियोन फ्रांस, ऑप्शन सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी नैरोबी केन्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लियोन फ्रांस। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लियोन फ्रांस। दोस्तों इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए वियना ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वियना ऑस्ट्रिया। जी हाँ दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। दोस्तों ओपेक एक तेल निर्यातक देशों का संगठन है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए हेग नीदरलैंड, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सिटी यूएस, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा हेग नीदरलैंड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है तथा आधिकारिक भाषाएं यहाँ पे जो न्यायालय में चलती हैं वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 अंग हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक प्रमुख अंग है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र में निम्न में से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन ए अरेबिक, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी चाइनीज, ऑप्शन डी जर्मन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संयुक्त राष्ट्र में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में सम्मिलित किया गया है जिसमें अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। तो दोस्तों इसमें अरेबिक ऑप्शन ए जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑप्शन बी इंग्लिश भी है, ऑप्शन सी चाइनीज भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है उसको ऑप्शन नंबर डी को जर्मन लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।